जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम सीखेंगे कि कैमरा कैसे काम करता है और कैमरा कितने प्रकार से काम करता है। और गाइस, कैमरे का आविष्कार सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था और कब किया था। गाइस, कैमरे का आविष्कार सबसे पहले जोसेफ निप्से ने 1824 ईस्वी को कैमरे के प्रारंभिक रूप का आविष्कार किया था। गाइस, जोसेफ निप्से 1824 ईस्वी को कैमरे के सिर्फ प्रारंभिक रूप का आविष्कार किया था। गाइस, उन्होंने पूरा कैमरा नहीं बनाया था, सिर्फ कैमरे के प्रारंभिक रूप का आविष्कार किया था। गाइस, अब ये समझ लेते हैं कि पहले जमाने के कैमरा कैसे काम करते हैं और आधुनिक जमाने के कैमरे कैसे काम करते हैं। गाइस, जो पहले जमाने के कैमरे हुआ करते थे, गाइस उन कैमरों में चिप नहीं हुआ करती थी। गाइस, उनमें चिप की जगह एक रील का प्रयोग किया जाता था। गाइस, रील एक पन्नी नुमा रोल हुआ करता था। गाइस, उन्हीं उसी रोल को प्रयोग किया जाता। गाइस, उस रोल में कुछ रासायनिक केमिकल लगे हुआ करते थे और उन्हें एक रोल में पैक कर दिया जाता था, उसे ही कैमरे में भरा जाता था। गाइस, जब उसे कैमरे में भर दिया जाता था तो रील को सेट किया जाता था, और जब उसे फोटो खींचने के लिए क्लिक किया जाता था तो एक रील में एक फोटो ही खींच क्लिक हुआ करती थी। गाइस, जब हम फोटो को क्लिक करते थे तो अपेचर खुलता था। गाइस, उस कैमरे का लेंस खुलता था और लेंस से प्रकाश अंदर जाती थी, और जब प्रकाश अंदर जाती थी तो वो जो रील हुआ करती थी, गाइस उसमें कुछ रासायनिक केमिकल लगे हुआ करते थे, जब प्रकाश उसे टकराती थी तो वो अभिक्रिया करती थी, यानी कि प्रकाश से टकराकर अभिक्रिया कर उस चित्र को छाप लिया करती थी, यानी कि वो सामने वाले की तस्वीर खींच लिया करती थी। जब गाइस हम बटन दबाते हैं तो सामने वाले की प्रकाश उस कैमरे से होकर उस रील पर पड़ती थी, और रील पे प्रकाश पड़ते ही वो उसी तरीके से अपना रंग बदल लेता था और उसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से एक इमेज छप जाती थी। गाइस, फिर उस रील को लैब में ले जाया जाता था। लैब में ले जाने के बाद गाइस वो लैब डार्क तरीके का हुआ करता था। गाइस, रेड रेड लाइट जलेंगी या ग्रीन ग्रीन लाइट जलेंगी, ऐसे डार्क होएगा। गाइस, उसमें रील को ध्यान से देखेंगे तब उन्हें पता चलता है कि रील में आखिर कौन सा कलर है और कौन सा कलर इसने खींचा है। गाइस, इसे पता चलता था कि उसे धुलाई हुआ करती थी। गाइस, लैब में ले जाकर उसे अच्छी तरीके से धुलाई करते थे और उसे अच्छी तरह से देखते थे, तब हमें उस रील में किस कैसा इमेज छपा है तब उसकी सही इमेज पता चलती थी और सही फोटो हमें मिल पाता था। गाइस, उस समय बहुत महंगा पड़ता था ये सब, एक फोटो बनवाने के लिए बहुत पैसे देने पड़ते थे और बहुत समय ज्यादा करता था। गाइस, फिर आधुनिक जमाने का दौर आया। गाइस, अब डिजिटल कैमरा आ गए। गाइस, डीएसएलआर का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिंगल, मतलब ये गाइस पूरी तरह से डिजिटल हो गए। इसमें रील का प्रयोग नहीं होता। गाइस, इसमें रील की जगह चिप का प्रयोग होने लगा, इसलिए से डिजिटल कैमरा कहने लगे। गाइस, ये पहले फोटो को रील में सेव करता था, अब ये वाला डिजिटल कैमरा जो हो गया ये गाइस फोटो को मेमोरी में सेव करने लगा। बस गाइस, यहीं से सब कुछ बदल गया। गाइस, अब समझ लेते हैं कि ये डिजिटल कैमरा किस तरह से काम करता है। गाइस, डिजिटल कैमरे में भी कुछ खास नहीं होता है, बस डिजिटल कैमरे में लेंस होता है सामने की तरफ। गाइस, उस लेंस से प्रकाश, मतलब कि प्रतिबिंब की जो सामने तस्वीर होती है उससे प्रकाश टकराकर जब लेंस से अंदर जाती है तो अपेचर होता है। गाइस, वो छोटा बड़ा होता है, वो डिसाइड करता है कितना प्रकाश अंदर भेजना है, कितना प्रकाश बाहर रखना है। गाइस, ये चित्र है और यहाँ से प्रकाश टकराकर वापस जा रही है और ये लेंस के जरिए से अंदर जा रही है, और ये अपेचर गाइस से छोटा बड़ा होगा उस हिसाब से प्रकाश अंदर जाएगी, और गाइस ये शटर बंद रहेगा कैमरे का। गाइस, ये जब प्रकाश, मतलब ये तस्वीर डायरेक्ट पहले प्रिज्म से जाएगी, पेंटा प्रिज्म में जाएगा। गाइस, पेंटा प्रिज्म से टकरा पहले पहले गाइस जब कैमरे को ओपन करते हैं तो पहले ऐप दबाते हैं। गाइस, ऐप प्रोसेस करता है और ऐप कैमरे की लुके मतलब कि जब ऐप को दबाते हैं गाइस तो वो कहाँ जाती है, प्रोसेसर के पास जाती है। प्रोसेसर से रैंडम एक्सेस मेमोरी के पास जाती है और रैंडम एक्सेस मेमोरी उसे बताता है कि कैमरा किस जगह पे है, कहाँ लोकेशन है उसका, और फिर वो कैमरा ओपन करता है। गाइस, इससे कैमरा ओपन हो जाता है। गाइस, कैमरा ओपन होने के बाद अब हमें कैमरे में फोटो दिखने लगता है, तस्वीर दिखने लगता है। गाइस, तब तक कैमरे में तस्वीर दिखाई देगा। गाइस, जब हम किसी चीज को क्लिक करेंगे तो गाइस देखते होंगे हमारा कैमरा थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हुआ, यानी कि हमारी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हुई, यानी कि एक सेकंड में बंद और ऑन, मतलब कि स्क्रीन थोड़ी सी ब्लैंक होती है। गाइस,
गाइस और एक आवाज आता है खिचिक का। गाइस दरअसल वो जब हम इस किसी को क्लिक करते हैं फोटो खींचने के लिए, तो गाइस इसमें एक आगे एक शटर होता है, ये उठता है और प्रकाश सीधा फिर यहाँ से सीधा आकर गाइस कहाँ पे टकराता है, प्रकाश CMOS पे टकराता है गाइस, COMS सेंसर। गाइस कैमरे में दो तरह के सेंसर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि CCD का प्रयोग किया जाता है, COMS का प्रयोग किया जाता है, CMOS का प्रयोग किया जाता है। ये सब गाइस सेंसर होते हैं, इन्हें ही पिक्सल कहते हैं गाइस, यही तस्वीर को बाइनरी कोड में बदलने का काम करते हैं गाइस। फिर प्रकाश सीधा इस पे आकर इस मतलब सेंसर पे पड़ती है गाइस, वो प्रकाश को अच्छी तरह से सेंस करता है और प्रकाश को 0 और 1 में बदल देता है, यानी कि हमने जो तस्वीर खींची होगी उसे 0 और 1 में बदल देगा, और 0 और 1 बदलने के बाद गाइस प्रोसेसर के पास भेजता है, प्रोसेसर उसे चिप में भेज देता है और हमारी फोटो सेव हो जाती है गाइस। इस तरह से पूरा काम करता है गाइस। अब ये समझ लेते हैं कि मेगा पिक्सल क्या होता है और कितने मेगा पिक्सल होते हैं गाइस। गाइस कैमरा तो वही होता है, कैमरा उतना ही बड़ा होता है और कैमरे की साइज भी उतनी होती है, तो फिर मेगा पिक्सल क्या है गाइस, और ये मेगा पिक्सल हाई और कम क्यों होता है गाइस। दरअसल कैमरा वही होगा गाइस, कैमरा सभी कैमरा एक ही जैसा फोटो खींचेंगे गाइस, बस फर्क इतना होगा कि कोई कैमरा बहुत साफ खींचेगा, कोई कैमरा बहुत धुंधला खींचेगा, कोई कैमरा बहुत बारीकी से खींचेगा और कोई कैमरा कम बारीकी से खींचेगा गाइस। जो कैमरा बहुत बारीकी से खींचता है वही होता है मेगा पिक्सल गाइस। मेगा पिक्सल जो होता है गाइस, ये दरअसल छोटे 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 गाइस इस तरह से गाइस मान के चलते हैं, ये हमारा मोबाइल की स्क्रीन है, तो गाइस इस स्क्रीन में जो तस्वीर बन रही है गाइस, उस स्क्रीन में भी छोटे 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 नैनो पिक्सल है गाइस, इस तरह से चार कोण के ऐसे ऐसे पिक्सल है गाइस, ये हजारों मतलब लाखों करोड़ों में पिक्सल होते हैं गाइस, और यही पिक्सल मिलके एक तस्वीर को बनाते हैं गाइस। पहले आप देखे होंगे कि छोटी 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 लाइट को लगाकर ऐसे एक लाइट को जलाते हैं, एक लाइट को बुझाते हैं, तो कोई आकृति बन जाती है गाइस, वैसे ही यहाँ पर भी काम होता है, पर यहाँ पर इतने छोटे न्यूनतम पे होता है कि हमें वो चीजें नहीं दिखाई देती है, हमें बाहरी की चीजें दिखाई देती है, तो गाइस वही मेगा पिक्सल काम करता है गाइस। एक मेगा पिक्सल में जान लेते हैं कितने पिक्सल होते हैं गाइस। एक मेगा पिक्सल यानी कि 1 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 1 मिलियन 10 लाख मेगा पिक्सल, 2 मिलियन 20 लाख मतलब कि 20 लाख मेगा पिक्सल, 5 मिलियन 5 MP मतलब 5 MP का कैमरा, 5 मेगा पिक्सल का कैमरा, तो उसका पिक्सल उतना ज्यादा होगा गाइस। यही कैमरे का मेन पार्ट क्या होता है गाइस, यही होता है CCD, कैमरे का दिल यही होता है गाइस, सीसीडी, डिजिटल कैमरा जितना भी होते हैं, जितने भी वो क्या बोलते हैं DSLR होते हैं या मोबाइल कैमरे होते हैं, सब में सिर्फ सीसीडी या CMOS का प्रयोग किया जाता है गाइस। एक प्रकार के सेंसर होते हैं, ये भी स्क्रीन ही होते हैं गाइस, पर इसमें पिक्सल्स बने होते हैं छोटे 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 छोटे, ऐसे ऐसे पिक्सल इतने नीम पिक्सल होंगे गाइस, वो पिक्सल जितने ज्यादा संख्या में होंगे हमारी फोटो उतनी बड़ी और उतनी साफ बनाएंगे गाइस, बस यही पिक्सल का काम होता है गाइस। कैमरे में ना ही लेंस ज्यादा करते हैं और ना ही कुछ करते हैं, बस यही पिक्सल का कमाल होता है कि हमें कितनी बड़ी फोटो बनानी है, कितनी छोटी फोटो बनानी है, कितना क्लियर फोटो बनानी है, कितना फास्ट और अच्छी फोटो बनानी है गाइस। और जो फोटो में कलर वगैरह डालते हैं गाइस, ये तो मतलब कि कुछ कंप्यूटराइज यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर के जरिए से उसमें कलर भर दिया जाता है, और बाकी कैमरा ऐसे ही काम करता है गाइस। हमने सीखा कि कैमरा कैसे काम करता है और पहले जमाने के कैमरे किस तरह से काम करते थे गाइस। जय हिंद, मिलेंगे अगली वीडियो।